बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अब वक्त आ गया कि दुनिया को हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए फिल फोर कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला हल करवाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनाए गए इदारे सिर्फ करारदादों के अलावा और मजम्मत के अलावा आज तक हकीकी मायनों में कुछ नहीं कर सके। लिहाजा मेरी एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक कश्मीरी होने के नाते दुनिया से ये मुतालबा है, उसमें रूस, चाइना, अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर भी हैं जिनकी बात मानी जाती है, उनसे मुतालबा है कि वो फिल फोर मसला कश्मीर को कश्मीरी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हल करें, क्योंकि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर का मुसलमान भी हिंदुस्तान से तंग है। हिंदुस्तान के अंदर एक फसाद बरपा होने वाला है और बहुत जल्द वो फसाद दुनिया के सामने आ जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। लिहाजा हम मुसलमान दुनिया में अमन की बात करते हैं, हमारा दीन अमन का दर्द देता है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और अमन का दर्स दिया। लिहाजा हम चाहते हैं कि अमन और भाईचारा कायम हो दुनिया में, और उसके लिए फिर फौर मसला कश्मीर को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया।